So on all these buildings, the two pillars in Delhi, we have got any text. तो जैसे कि मैंने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर हमारा नाम विक्रमजीत रखा विक्रमजीत से सो दैट हैप्पी ठीक है विक्रम मेताल मतलब स्कूल में जो मुझे बच्चे विक्रम मेताल कहने छेड़ते थे वो गलत नहीं थे ना एक्चुअली सो आई वेंट बैक ऑनलाइन एंड देखो ये विक्रम 4th सेंचुरी एडी एंड द काइंड ऑफ वर्क इट एक्चुअली इंप्रेस्ड मी ट्रस्ट मी अ लॉट अलग अलग चीजों को मिक्स करके कि ना इसको जंग लगेगा ना इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा पीपल फ्रॉम सीरिया केम दे सॉ दैट एंड दे सो इंप्रेस्ड दैट दे टुक दैट फार्मूला टू सीरिया सीरिया की कैपिटल कैपिटल क्या है is today very famous and it was made from wood steel jiska ek example hamare paas delhi udaygiri caves mein jo iron pillar hai bhagwan vishnu ke mandir ke bahar laga hua tha why we say vishnu because uske upar ek square hai uske upar hai wo garud sthan hai us par kabhi garud dhwaj laga hua wo garud dhwaj bhi hum usko kehte hain wo tha wo harry potter ki hindi version wala garud dhwaj nahi ye alag और इसको दिल्ली लेके आए बहुत सारे वर्जन है स्टोरीज के कईयों ने तो ये भी कहा कि नहीं भाई आनंदपाल तोमर जो दिल्ली के राजा हुए हैं वो इसको दिल्ली ले आए और जब उन्होंने लगाया तो ये सही से लगा नहीं क्योंकि ये वहां पर शेषनाग के सर में खड़ा हुआ था तो यहाँ पर लाए थे जो कील है ये ढीली रह गई जिसकी वजह से नाम नहीं राजा ढिल्लू या राजा दिलीप यहाँ कोई हुए हैं उनके नाम से दिल्ली का जो है then we have got this one stone slab which is lying in the old museum that says देशोस्ती हरियाणा क्यों दिल्ली का क्या मतलब तो अस्ती निर्मता कि दिल्ली का नाम की एक पुरी है जो तोमरों ने निर्मित की है बहुत सारे वर्जन है बहुत सारे स्टोरी से खैर मुझे एक चीज में बहुत इंटरेस्टिंग ये मिली कि जब मैंने एक शख्स मुझे सिर्फ अपने नाम का मतलब जानना था ढूंढते 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 मैं इतनी अंदर चला गया तो मुझे बराम हीर के बारे में रोज कोई नई चीज बता के चला जाता है जब मैं बराबर पढ़ने के बाद माइंड में कोई चीज आती है फिर मैं ढूंढता पता चलता है वो कहीं ना कहीं बराबर से कनेक्टेड है और फिर मैं सच पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये अगर वाकई इनका एक ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था मिहिरापुरी के अंदर जैन पटावनी में उसका जिक्र आया है चाइनीज रिकॉर्ड्स में उसका जिक्र आया है बिकॉज चाइना से स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ने आते थे फोर्थ सेंचुरी में उस मिहिरापुरी का नाम बाद में मेहरौली हुआ मेहरौली में ऑब्जर्वेटरी बनाकर बैठे थे पंच सिद्धांत लिखे और वहां पर उन्होंने एक और बुक तैयार की जिसके अंदर उन्होंने परफ्यूम्स के बारे में बात की परफ्यूमरी होती क्या है परफ्यूम कैसे बनने चाहिए हमें क्या चल रहा है नहीं परफ्यूम इतना इजी नहीं है इफ यू रीड हिज टेक्स्ट You will realize आपके हेल्थ कैसे आप किसी ऐसा काम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो उसको पेस्ट बनाइए और इस तरीके So, वो जो पूरी डिटेल्स है मेहंदी है मेहंदी का उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हम लोग आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स लेके उसके अंदर डिटेल जो संस्कृत के श्लोक है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेहंदी कोई रस्म या कोई रिवाज नहीं है मेहंदी एक जरूर डिस्क्राइब किया शरबतों के बारे में कैसे पीना है पानी में कितना टाइम तो गुलाबों को जीनों की प्रॉपर्टीज दी है
नथिंग, जीरो, जीरो इन्वेंट हो गया। बट ये जीरो करता क्या है, ये वराहमिहिर ने हमें बताया कि जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो हो जाती है, किसी चीज में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से सबट्रैक्ट कर रहे हो इससे सबट्रैक्ट कर रहे हो तो वो माइनस प्लस, वो जो प्रॉपर्टीज है मैथमेटिक्स। रोमन्स कैसे काम करते हैं उनको स्टडी किया है, और इनके पर्टिकुलर दिन पे पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसकी जो शैडो होगी अगर आप शैडो को मेजर कर लो, आप इसकी लेंथ को मेजर कर लो, स्कूलों के बच्चे इकट्ठे किए जाते हैं जब अगर नॉर्मल करते हैं, बट दी सारे वो सूर्य सिद्धांत के प्रिंसिपल से वो लेते हैं। होलिका सिद्धांत में पॉलिश लोग क्या करते हैं, मतलब कि फोर्थ सेंचुरी में ये लोग किताबें लिख रहे थे, उनकी पॉलिसीज पे, उनके एजुकेशन सिस्टम पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनके हम यहां बैठ के क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में उनका नाम तक नहीं लिए। जब तक आप नाम नहीं लोगे आप पता कैसे चलेगा कि कौन born in Middle East, very young. And there is a rule, they don't let you see your child for one or two days. You can apna procedure hai, the moment child is born, फिर एक दिन के बाद father देख पाते, mother को, of course mother को देख पाते. So for two days my father wouldn't meet me. He was very excited, like mera beta hua, मुझे He was going to market कि मुझे कुछ gift लेके जा रहा है, जब मैं पहली बार उससे मिलने जाऊंगा कुछ बढ़िया सा लेके जा रहा है। 1982 में एक डिवाइस इन्वेंट हुई थी जिसको आगे स्पेक्ट्रम थी, जिसमें वी हैड अ कीबोर्ड, वी हैड अ प्रोसेसर, वी हैड द रैम। हार्ड डिस्क तो तब छोटी वाली कॉम्पैक्ट डिस्क तो तब डेवलपिंग नहीं हुई थी, ना सीडीज थी, ना फ्लॉपीज थी, ना एलसीडी स्क्रीन थी, तो घर के टीवी के साथ अटैच जो घर में जो टेप रिकॉर्डर बड़े बड़े होते थे उनमें डालो, वायर्स लगाओ और टीवी के ऊपर कनेक्ट करके सिंपल GW बेसिक और वो पुराना जो डॉस प्री डॉस एरा IBM वाला वो वाले सारे काम करो। brings him to hospital, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, मैं बना दी ठीक कर पाया क्योंकि वो वाला मिल नहीं रहा, अगर वायरिंग वायरिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया, बट वो आज भी काम करती है, उससे बहुत बात तक मैं उसको यूज करता रहा हूँ। सिक्स क्लास में मेरे डैड और बाय क्लास 12 आई वाज डेवलपिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड सेलिंग देम, सो माय डैड डजंट नो बट आई वाज मेकिंग गुड मनी बैक इन क्लास 12। आई फिनिश्ड माय 12th, माय डैड ट्राइड टू सेंड मी टू कॉलेज, बट पढ़ चुकी थी मैं, क्लास में बैठ कर पढ़ नहीं सकता था, और वैसे भी 11वीं 12वीं मेरा सारा होमवर्क मेरी सिस्टर ने किया, मैं किताब वगैरह कम ही देखता था, मैं कंप्यूटर में हर वक्त बैठा रहता था, प्रैक्टिकली मैंने सब कुछ सीख लिया। So my dad pushed me to some basic computer courses, doing O-level, A-level कर लिया, उसके आगे पढ़ने का मन नहीं किया, छोड़ के भाई exams दिए ही नहीं बाद में। I got a job, I became director of one of the top 5 companies in the world, digital marketing companies. I was handling entire region, Asia Pacific का, और करते 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 एक अपने आप में अंदर से एक saturation वाली feeling आने लगी, कि अब इससे ऊपर मैं और किस कंपनी में जाके बैठ सकता हूँ, ऐसी फीलिंग अंदर से जाने लगती थी। फिर हर महीने कभी कहीं ऑफिस की तरफ से जाना पड़ रहा है, ट्रैवल बहुत हो रहा है, आधी दुनिया घूम ली है। एक दिन ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार सारी दुनिया घूम ली है, दिल्ली नहीं देखी अभी तक, तो क्यों ना दिल्ली देखी जाए। सो व्हाट आई डिड,
आई डिसाइडेड कि ये पूरा महीना मैं कहीं और ट्रैवल नहीं करूंगा, आई विल इन दिल्ली एवरी वीक, आई विल गो टू वन एरिया ऑफ दिल्ली, आई डिवाइडेड दिल्ली इनटू फोर पार्ट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, संडे यहां, चार हिस्सों में दिल्ली खत्म, चार हफ्तों में, फिर अगले महीने से फिर आई एम बैक टू माय रूटीन। डे वन 24th October 2009, स्टार्टेड एरिया वॉज साउथ दिल्ली। All I knew was that there is something called Mehrauli. So when the office in Nehru Place में office था, अपने friend को मैंने बुलाया, हम लोग वहीं पे मिले, गाड़ी वहाँ खड़ी की, उसकी bike पर बैठे, जैसे हम निकले, तो साकेत में right side में पुरानी सी दीवार देखी, और उसको बोला भाई रुक ये देखते हैं दीवार क्या है। जब वो वहाँ पहुँचे तो बाद में पता चला वो सतपुल है। बहुत इंटरेस्टिंग लगी, नोट कर लिया नाम। उसके बाद मेहरौली में पहुंचे तो कुतुब मीनार तो नहीं देखा, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में चले गए, जफर महल और दरगाह देख ली हजरत काकी की। और जब मैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क पहुंचा तो मुझे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, आर्कियोलॉजिकल पार्क ही नहीं देख सकता एक दिन, क्योंकि जैसे अंदर घुसा बोर्ड वॉज सही देर आर 72 मॉन्यूमेंट्स इन दिस सादा डेखर, जो भी जगह है वहां पर इतने पार्क में, there are 72 monuments. So I told my friend कि brother let's do one thing, मैं अगले I'm not interested. तो मैं अकेले आ गया उसके अगले हफ्ते, मुझे लगा मुझे और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। मैंने फटाफट से अपने ब्लॉग पर इसके बारे में आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। फिर मुझे लगा कि मैं आर्टिकल लिख के आई एम नॉट डूइंग जस्टिस बिकॉज आई हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन सम मैनर। सो आई एक दो वेबसाइट थी जिन पर मुझे थोड़ा सा रेफरेंस मिला, सरसों के खेत और एक दिल्ली दिल्ली वाला, इन पर थोड़े से मुझे रेफरेंस मिला और किसी वेबसाइट पे उस टाइप पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। सो व्हाट आई जा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मैं इधर उधर किताबें ढूंढ रहा था लाइब्रेरीज में, और जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकी मैंने भी इकट्ठी करके डालने की कोशिश की। इस टाइम पे मुझे दिल्ली के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया, मुझे जफर असर की किताब के बारे में पता चल गया जिसमें 1300 फिर मुझे समझ में आया कि मैं खाली इंग्लिश वाली बुक्स रीड कर रहा हूँ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, असली मटेरियल जो है वो उर्दू की किताबों में पड़ा हुआ है। सो आई वेंट एंड लर्न उर्दू, देन आई वेंट टू उर्दू एकेडमी। इनफैक्ट उर्दू एकेडमी में तो मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था, तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, सरदार पगड़ी पहनी हुई है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, अंदर आई कह रहा है कि उर्दू की किताबें दिखाओ। तो द मोमेंट आई एंटर्ड आई सेड आई वांट टू बाय सम बुक्स ऑन दिल्ली, ही सेड बट यहां पर सिर्फ उर्दू की किताबें हैं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया और अलमारी पड़ी हुई बिल्कुल सरकारी टाइप से। आई वेंट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द टाइटल्स एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइज कि नहीं ही इज नॉट जोकिंग। कुछ रेस्टलेसनेस उनके फेस पे आ रही है, सो आई आस्क्ड हिम कि चेक टाइम। मैंने कहा अच्छा आपका नमाज का टाइम हो रहा है, कह रहे हाँ जी हमें जाना है। मैंने कहा आप नमाज पढ़ाइए मैं यहाँ पर, तब मेरे को तो भी टाइम लगेगा। तो पहले वो मान नहीं रहे थे बट देन ही सेड ओके फाइन ही वेंट। When he came back, मैंने ऑलरेडी 10-12 किताबें जो है वो निकाल कर रख ली थी। मैंने टाइटल्स पढ़ी, मैंने बहुत अच्छी किताबें निकाली हैं, गॉट सो इंटरेस्टेड। ही सेड बेटा एक काम करिए, अपने छोड़ लिए, अब मेरे साथ चलिए। मैं उनके साथ पीछे क्या होगा, ये कार्ड वार्ड तो लेंगे नहीं, सरकारी टाइप का वो है। पता है कितना बिल बना, 900 रुपए,
और उस पर मुझे 40% डिस्काउंट मिला। और मैं वो किताबें देख के शेमानस नॉर्मलाइज्ड स्टोरी बुक्स 2000 to translate. I bought them, I started reading them, I spent a lot of my time reading. I found such interesting information. I was working on one of the projects with the ASI, having some interaction with them. पता चला कि उनको भी नहीं पता जगह क्या कहते हैं। कोई 1700 की किताब उर्दू की मुझे मिली है, उसमें उसकी पूरी डिटेल और रेफरेंसेस है कि कब इस्तेमाल हुआ ये, उनको बताया गया अच्छा ये नाम है, क्योंकि कभी किसी ने ट्रांसलेट ही नहीं किया तो किसी को पता ही नहीं चला, और जो ट्रांसलेट किए हैं उसमें हमने बड़ी बड़ी गड़बड़ कर दी है। अच्छा खासा नाम है किला हर पर्सन जिसने उसको रिपेयर किया है या जिसने उस पर काम किया है जिसे लगता है कि हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक को रेफर कर रहे हो, बट इवन आई एम नॉट श्योर, सो ही मेंशनड दैट कि आई एम नॉट 100% श्योर वेदर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी वजह से कहा जाता है उनको एटीट्यूट कर दी थी अल्तमश ने, क्योंकि वो उनके पीर मुर्शिद थे। कमिंग बैक टू माय स्टोरी, माय होल पॉइंट इज वी डोंट नो आवरसेल्फ, वी डोंट नो हु वी आर, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर वी कम, and we claim we are the most intellectual people. So what I did, I said किसी दिन आप देखी हो वहां पर जब तुम फोटो खींचोगे और उसको फेसबुक पे डालोगे 100 लाइक्स पक्के, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द रियल हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब व्हिच इवेंचुअली बिकेम द Someone will come and post about it. When we crossed 20,000 members, this was our only USP. No commercial activity, no idhar udhar ki cheezein, nothing beyond built heritage, beyond monuments. We had to change its name to from Delhi Heritage to the Heritage Photography Club. हमने सब जगह exhibitions बनाई। अब वो monument दीजिए जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। ये फोटो मत भेजिए, अब बताइए आपके पास क्या है। इंटरेस्ट में बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स है हमारे पास, बहुत कुछ है। फालतू फंड का नाम का बना रखा है, करती वर्ती कुछ नहीं है। मैंने उन सभी लोगों से लेक्चर के हमारा काम खत्म, अब 5 साल तक हमें कुछ नहीं करना है। वो आपस में लड़े लड़े भाई को खाड़ के दूसरे अब हम पूरा साल काम नहीं करेंगे।
जो आदमी तो कब्रों को अपने लिए इंपॉर्टेंट बना लो, गवर्नमेंट के लिए वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दैट्स वेयर के महलों में चीखें लगी होती थी, खस लगता था, पानी छोड़ा जाता था। आंखें तो दो हैं, दोनों खराब होती हैं, तो दोनों के लिए लेंस होना चाहिए। दो बना लिए, यहाँ नाक के ऊपर हाउसिंग बना के उसको होस्ट कर दिया। फिर किसी ने सोचा कि भगवान ने काम दिए, लेट्स गो हैंड्स फ्री, स्पेक्टिकल बन गए। अब हमने कॉन्टेक्ट लेंस बना लिए, ऊपर से बेसिक सर्जरी आ गई, चलो खत्म, ना लेंस चाहिए ना कॉन्टेक्ट लेंस ना स्पेक्टिकल्स। दिस इज एवोल्यूशन। तो इस एवोल्यूशन में, इस जर्नी में कहीं ना कहीं हेरिटेज इन्वॉल्व है। जब तक आपको पिछली चीज पता नहीं होगी, आप अगली कैसे डेवलप करोगे? या तो फिर से ठीक है, रीइन्वेंट दी व्हील इफ यू वांट टू, दैट इज आल्सो वे। मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कितने कुछ बेटर बना पाए हम। जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसी शेप पर पर्टिकुलर तरीके से क्यों हो रही है? फिर मैंने एक दिन एक वीडियो दिखा, एक आदमी ने सोचा कि कुछ हटके उसने सोचा, तो लीनियर सोच से वो कुछ हटके आगे बढ़ा, बट स्टिल बेस उसने वही लिया। बट वो जरूरी भी था, क्योंकि डांसिंग गर्ल इज पार्ट ऑफ दैट। What is civilization? That is from where we guys are started. We have begun. That is our origin. The oldest civilization. It is not. Because time is over. But what is it? और अगर उन्हें थोड़ा सा दिमाग बचा हुआ है तो वो सवाल पूछते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों का सवाल पूछते हुए देखा है कि टीचर्स परेशान होकर क्लास छोड़ के निकल जाते हैं कि आई कैन नॉट आंसर दैट। सो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैंने सोचा कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ, हेरिटेज दरबार करने शुरू कर दिए, लेक्चर्स करने शुरू कर दिए, लोगों को ले जाना शुरू कर दिया, खूब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू कर दी, मैंने अपनी हेरिटेज वॉक्स बंद कर दिए। जैसन हैज बीन फॉलोइंग मी फॉर लास्ट आई थिंक 3 इयर्स और ऑलमोस्ट रफली, I don't do heritage walks anymore. और वो भी क्या किया मैंने, हमेशा मैंने ये था मेरा कि I'll never charge for this, हमेशा फ्री में काम करूंगा। दो साल पहले मुझे ये समझ में आ गया कि मैं सिर्फ सैटरडेज दे पा रहा हूँ या संडेज दे पा रहा हूँ। My family और the same way, थोड़ा टाइम तो हमें दे दो, क्योंकि वीकेंड में आप जब खंडरों पर बैठे रहते हो। बहुत बार लोग मेरे को पूछते हैं कि आपने क्यों शुरू किया, तो मैं मजाक में ये भी बोल देता हूँ कि मैं 2008 में शादी हुई, 2009 से खंडरों की खाक छान रहा हूँ। मजाक बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। माय डैड वाज वन ऑफ दोस रिच गाइस इन मिल्ट।
something for the country. And even today, when I was given a chance, my office was supposed to be in Singapore. I was director of Asia Pacific. Was given an opportunity to sit in England. भूल गया भैया, वहां तो कभी नहीं जाने वाला मैं. फिर रोज किसी ना किसी गोरे से लड़ाई हो रही होगी वहां. I made my base in Delhi. I started studying, I started reading, I started doing something for city. Decided कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे लोगों को तक मैसेज पहुंचाना है. स्कूल्स में जब जाके मैंने बात की, स्कूल्स कहते ठीक है आप वीक डेज में आ जाइए. वीक डेज में मैं छुट्टियां नहीं ले पा रहा था ज्यादा. सो अल्टीमेट तरीका मेरे पास यही था, जॉब छोड़ दो. छोड़ दी. पापा को पूछा, मैंने कहा पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं बच्चों को हॉल में आकर बैठ. एक साल में रफली 500 बच्चों, हर टीचर और 20 मैथ्स बहुत वीक है, बाकी आप खुद कर लीजिए. तो मैं अगले तो मैं 3 घंटे की एक वर्कशॉप साल से I've been hopping from one school to other school, one city to other city, talking to teachers, kind of top management of schools, and telling them एक कार्टन उन्होंने शिफ्ट नहीं किया. वो कार्टन उठा के घर ले आए, बट वो कार्टन किसी को खोलने नहीं दिया. मेरे को बोला कि ये कार्टन तू खोलेगा. और टीचर ने तो मैं भी लाइटली ले रहा था, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर की किताबें मेरे किस काम नहीं होंगी. तो मैं टका रहा था, बट ही कीप केप्ट पुशिंग, यू नो यू हैव टू बैठ गए कार्टन के सामने. पापा और मैं बैठ गए. आई टुक दैट स्नैप प्लेट फर्स्ट बुक दैट केम आउट वॉज 180-year-old book. Second book that came out was 130-year-old. ऐसी ऐसी किताबें निकली जो मैं सोच भी नहीं सकता था एग्जिस्ट करती है. एक किताब उसमें ऐसी निकली जिसने मुझे जैसे History of Indigenous Education in Punjab, 1870. 1910 में दिल्ली अलग किया है. फिर उसके बाद the report he wrote, even changing the grammar, he said, whatever I am going to write in this book will not please me. What did he report? He said, we have destroyed the education system of India. The Urdu that we teach here, a Mohammedan student, he said, a student cannot go back to his Mohammedan parents and talk of his lesson he learned so because he उसमें
लियोनार्डो डा विंची, who also did a lot of inventions and experiments. One of his best inventions is a catapult, which is considered to be the best catapult design ever because सबसे ज़्यादा दूर फेंक सकता है, उसके अंदर रबर बैंड यूज़ करके और स्प्रिंग्स वगैरह लगा के पता नहीं क्या क्या काम किया था. Now when you're talking about that catapult, can you just pull up an image of that catapult on the screen? सब जगह स्मार्ट टीवी तो लगे हुए हैं, हाँ जी कर सकते हैं. तो मैंने कहा क्या आप वहां पर दिखा के ये सारी चीजें समझा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बेसिक चीज समझा सकते हो? हाँ, उनको बोली फलक्रम समझने में सबसे बेसिक चीज है फिजिक्स की, वही समझने में लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो. सिमिलरली पाइथागोरस, थ्री ट्रायंगल, पाइथागोरस कहां पर पैदा हुआ था किसी को पता है? पाइथागोरस को हम क्या बोलते हैं, पूरा नाम क्या पाइथागोरस का? Syracuse, Samos. That's the idea. Samos की पैदाइश हुई ग्रीस में. Samos, yes. Pythagoras of Samos. He gave the concept of three triangle. Pythagoras ने Pythagoras की लागे से प्रश्न करने के लिए उसने जान लिया है. समोसे से शुरू कर सकते हैं, क्या पता बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए. एंड यस, वी डन दिस एक्सपेरिमेंट्स, बच्चों को इंटरेस्ट आया है. और ऐसे और बहुत सारे फील्ड में भाग भाग कर हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं. पंजाब में अहमदाबाद में मेरा वर्कशॉप चल रहा था, टीचर्स बैठी थी पूरे स्कूल की, और मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा सा मैप लगा दिया और हिंदी की टीचर हूँ, आपके लिए ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान पूरी पूरी बेल्ट है. इस बेल्ट में जो इस पूरी बेल्ट में अगर आप ग्रेट गेम पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बॉलीवुड वहां पर कितना चलता है. वो लोग हिंदी गाने ज्यादा सुनते हैं, रशियन और बॉलीवुड के इंग्लिश गाने कम सुनते हैं. वहां पर हिंदी लिटरेचर पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है. वो आपके पोइट्स को जानते हैं, आप उनके पोइट्स को नहीं जानते. जबकि वो आपके यहाँ आपके शहर में दफन है तब भी आप नहीं जानते हो, वो आपके पोइट्स को जानते हैं, आपके लिटरेचर को जानते हैं. वहां की सबसे बड़ी मस्जिद बीबी खाना मॉस, ब्लू मॉस, दिल्ली की बेगमपुर मस्जिद की रेप्लिका है. यहीं से लोगों को लेकर गए थे उसको बनाने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि वो जगह आपसे डिस्कनेक्टेड है. अज़रबैजान का जो फायर टेंपल है, एक वहां पर फायर टेंपल है जिसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब की पहली लाइन लिखी गई, गुरुमुखी में पंजाबी में मूल मंत्र लिखा हुआ है. और वहां का लोकल टेंपल है, वो सिख टेंपल नहीं है, वहीं का फायर टेंपल है. How well do we know ourselves? एक लास्ट चीज, हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हमें लगता है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं सबसे अच्छी है. 2010 से जब से मैंने टॉमफी क्लब डेवलप किया और लोगों से बात करनी शुरू की, मैंने 2010 में एक सवाल चेंज नहीं किया. मैं हर सेशन में पूछता हूँ, हर सेशन में, ऑलमोस्ट डेली, तो एक दिन छोड़कर तो मेरा सेशन होता ही है, मैं पूछता हूँ लोगों से वही सवाल. मुझे आज तक कोई सही जवाब, मैं आपसे भी वही पूछू.
मैंने पूरा सेशन हिंदी में किया, आप लोगों को समझ में आई गया, तो जाहिर है आप लोगों को हिंदी आती है। मेरा एक प्रश्न आपसे है कि बिल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मोस्ट केसेस उसके ऊपर भी छत नहीं है। तो ये कोठा से कोठी आएगा? कोठी इज कंप्लीट बिल्डिंग। अच्छा, और कोठा जो दिल्ली का जो वर्ड है कोठा, और पंजाबी का जो वर्ड है कोठा, उसका भी इंक्लिनेशन है, उस पे बात करते चले जाते हैं। बाहर राष्ट्रपति कहां रहते हैं? बिल्डिंग हिंदी इज भवन। चेयर को क्या कहते हैं? कुर्सी। कुरान में आयत अल कुर्सी है, व्हिच डिस्क्राइब्स द सीट ऑफ गॉड। तो कुर्सी राजा किस पर बैठता है? गद्दी। गद्दी भी सही वर्ड नहीं होगा, आसन। सिंह आसन, सिंह किंग को सिंह बोला जाता है। सिंह आसन इज राजा का, राजा की कुर्सी। सारी अच्छी है, आपको सारी लैंग्वेजेस पढ़नी जरूरी भी है। दिल्ली की चार भाषाएं हैं जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज की डेट में, और नेटिव लैंग्वेजेस भी यही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। नेटिव एज जितने लोगों ने कही थी, बट उर्दू पैदा हुई यहाँ पर। उर्दू की पैदाइश हुमायूं सुल्तान के बिल्कुल पीछे हजरत निजामुद्दीन औलिया के चिल्ला पर हुई। हजरत अमीर खुसरो ने जब हिंदी बनाई, वो चलते चलते उर्दू बन गई, वो फारसी और ब्रज से ही निकली है, वो उसी बोली से निकली है। हम जो यहाँ पर हिंदुस्तानी बोलते हैं वो खड़ी बोली है, विच इज नॉट अ डिफाइंड लैंग्वेज बट एवोल्यूशन। चलते 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 वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं। अभी मैंने कितना कुछ बोल दिया, वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं। सो ये अंग्रेजी भी आ गई, हिंदी भी आ गई है, सब कुछ मिक्स हो रहा है ना। अब ये हिंदुस्तानी बोल दिया, थोड़े टाइम में इसी भाषा में किताबें भी लिखेंगे। सजदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सजदे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करके दिखाने की जरूरत है या जानते हो? प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन सैल्यूटेशन। हां जी, पीछे लग जाके आगे आ रहा है, इसकी भी कोई अंग्रेजी नहीं है, तो आपकी कोई अंग्रेजी, कोई अंग्रेजी नहीं। प्रोस्ट्रेट कह रहे हैं ना, प्रोस्ट्रेट इज साष्टांग प्रणाम, ले लिए। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे जो पहला प्रोस्ट्रेट, तो जब अंग्रेज आते हैं उल्टे क्यों लेटे हुए, होश तो नहीं हो गए, आर द प्रोस्ट्रेटिंग, कोई नाम रख दिया। हम तो भक्ति थे, भक्ति में तो भक्ति और Gracias.
आप में से जो लोग शादीशुदा नहीं है ज्यादा पूरी सोसाइटी फंक्शन कैसे कर रही थी, हमने उसको छोड़ दिया। तो एक वर्ड के लॉस एक्चुअल में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। उसके बाद हमने वर्ड्स को बहुत ज्यादा खराब भी किया है। एक एग्जांपल हुआ ना, देयर इज अ वर्ड रंडी, लोग समझते हैं गाली है, दादी ने एक बार मेरे को बोला गली में किसी की डेथ हो गई, तो मैंने बताया कि वो आंटी है ना, आंटी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, हाय हाय बेचारी रंडी हो गई, दैट्स व्हाट माय दादी सेड। मैंने कहा दादी अंकल की डेथ हो गई है और आप आंटी को गाली दे रहे हो। माय दादी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दैट एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई माय दादी इज अब्यूजिंग एंड लेकिन लोगों ने वो कोठा एसोसिएट करके वो जा रहे हैं नाच गाना देख रहे हैं, यहां तक फिर भी ठीक था, समझ में आता है। अब कोई पेटर्न्स बचे नहीं जो यहाँ के अच्छे के पास आए, बल्कि मीर तक ही मीर का जिसको फलक ने लूट के वीरान किया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दयार के। अब तो हम ही बादशाह हैं, अब तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, आप एडिशनल सर्विसेज
ज्यादातर तवायफों ने मना कर दिया, बट कुछ एक थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि पेट सबके पास है, भूख सबको लगती है। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने मान लिया अंग्रेजों ने उनके बारे में लिखा, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड दैट यू फाइंड इन ब्रिटिश रिकॉर्ड, विच इज तफरी, कि हम तफरी करने जा रहे हैं। That is what it was, कि तफरी करने जा रहे हैं, जाएंगे नाच गाना देखेंगे, दारू पिएंगे, and whatever they want to do, they will do it. And that's how the concept came, कि नहीं, तवायफ का मतलब is prostitute, क्योंकि हम सिर्फ अंग्रेजों की translations पढ़ रहे हैं, हम original concepts को नहीं पढ़ते। That is why history heritage is important. क्या होता था वहाँ और हमने उसका क्या बना दिया है, इससे आपको पता चलेगा कि आज आप जो कर रहे हैं उसका 100 साल के बाद क्या बनेगा, तो सोच के रखो। I don't know about the